आज हम बनाएंगे डब्बा गोश्त, जो कि एक बहुत ही यमी और क्रीमी मीट डिश है, जिसे हम अवन में बेक करते हैं एक डिश में और फिर इसे सर्व करते हैं रोटी, पराठे या नान के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाइसेस एंड चीज विद समरीन ताहा। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर डिलीशियस रेसिपीज। थैंक यू। डब्बा गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 300 ग्राम बोनलेस मीट, जो कि मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है, और इसे सिर्फ मैंने नमक और पानी में बॉईल किया है, और ये उसी का पानी है जो इसका स्टॉक है, मीट स्टॉक। तो ये मैंने ले लिया 1 कप। आधा कप मैंने दही ले लिया है फेंट कर, आधा कप मैंने पीसी हुई प्याज ले ली है, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है, 1/4 टीस्पून साबुत जीरा, 3 अदद मैंने हरी मिर्च ले ली है, इसे स्लिट कर लिया है, 1 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, ये ऑप्शनल है, 1 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1 टेबल स्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून बादाम का पाउडर, 1 टेबल स्पून काजू का पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है। अब ये लेयरिंग के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। लेयरिंग के टाइम हमें एक अंडा चाहिए होगा और कुछ आलू के टुकड़े, या तो आप फ्रेंच फ्राइज वाले स्ट्राइप्स में कट कर लें, या आप स्लाइसेस बना लें और फ्राई कर लें, या आप बॉइल्ड पोटैटोज लेकर उसके स्लाइसेस ले लें, फ्राई ना करें, जैसी आपकी मर्जी। और एक मैंने स्मॉल टमाटो ले लिया है, टमाटर उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, और 1 टेबल स्पून हरा धनिया मैंने कट करके ले लिया है। सो लेट्स स्टार्ट कुकिंग। कढ़ाई ली है मैंने और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर इसे फुल फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं मिर्ची डालूंगी, जीरा, प्याज, ये प्याज डालकर मैं इसे हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक पकाऊंगी। 5 मिनट तक मैंने इसे कंटिन्यूसली चला चला कर भूना है इस प्याज को। अब मैं प्याज में ये श्रेडेड मीट ऐड कर दूंगी। और इसे अच्छी तरह से चलाऊंगी ये सारे मसाले डालकर, ये भुना हुआ बेसन और उसके साथ जितने मसाले मैं बताई थी, गरम मसाला, धनिया, जीरा, नमक, काला नमक, ये सब डाल दूंगी, और इसी के साथ मैं डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल दूंगी। ये सारा मैं भून भून के अच्छे से पकाऊंगी। अब लेट्स से 8 to 10 मिनट्स में से अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर भूनूंगी। इसे भूनते वक्त मैं इसमें सूप डालते रहूंगी थोड़ा थोड़ा, और फ्लेम हाई ही रखना है और थोड़ा थोड़ा सूप डालते रहना है, या ये मीट स्टॉक जो है जिसमें हमने गोश्त उबाला था उसे डालते रहना है और भूनते रहना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको स्टर करते जाएंगे। 10 मिनट तक के मैंने इसे कंटिन्यूसली हाई फ्लेम पर सूप डाल डालकर भूना है, और मैं इसमें काजू, बादाम, मिल्क पाउडर और चाट मसाला डालूंगी, और ये दही डाल दूंगी, और इसको चलाऊंगी, और जो आधा कप और बचा है वो भी थोड़ा थोड़ा डालकर इसको फिर से भूनूंगी। आधा सूप थोड़ा बचा है, मैं थोड़ा और डाल दूंगी और इसे हाई फ्लेम पर भूनते रहूंगी। बस ये थोड़ा सा मेरा सूप और बचा है, मैं इसे डालकर फिनिश कर देती हूँ और इसको चला चला कर वापस भून लेती हूँ, और ये डन हो गया है। इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे अब। तो मैंने काजू, बादाम, सब चीज़ डालने के बाद, दही डालने के बाद जो बचा हुआ सूप था वो भी डाल दिया, और 5 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर पकाया है। अब मैं इसमें कोथमीर, जो कि हरा धनिया है, ये डाल दूंगी और इसको चलाकर गैस बंद कर दूंगी। अब हम फाइनल लेयरिंग करेंगे डब्बा गोश्त की। मैंने एक बेकिंग डिश ले ली है, क्योंकि मेरा डब्बा गोश्त बहुत थोड़ा सा है तो मुझे ज़्यादा बड़ा कैसरोल लेने की ज़रूरत नहीं, बट आप कैसरोल ले सकते हैं। तो मैं इसमें अब लेयरिंग करूंगी। मैंने ऑलरेडी इसको एक टेबल स्पून ऑयल से ग्रीस कर लिया है डिश को। अब मैं इसमें 1 चम्मच ऐड डालूंगी, और इसे सिर्फ फैला दूंगी। अंडा डालने के बाद मैं सब तरफ फ्रेंच फ्राइज
या आप अगर आलू के स्लाइसेस होंगे आपके पास तो स्लाइसेस डाल लेना फ्राई करके, या बॉइल्ड भी डालेंगे तो चलेगा स्लाइस करके, नो इश्यूज, कुछ टेस्ट में डिफरेंस नहीं होगा इसके। ये ऊपर मुझे 4-5 स्लाइसेस लगेंगे इसके, तो मैं यहाँ पर बस ये 2-3 जो स्लाइसेस हैं वो रख लूँगी। और अब मैं इसमें मिक्सचर डालूँगी श्रेडेड मीट का जो हम लोगों ने बनाया है, उसे डाल के अच्छे से प्रेस करूँगी। इसमें ये पूरा मीट मैंने सजा लिया इसमें, अब वापस मैं ये फ्रेंच फ्राइज डाल दूँगी। ये पूरा मैंने पोटेटो से सजा लिया, अभी मैं इसे 2-3 स्लाइसेस ये टमाटर के लगा दूँगी, बिकॉज टमाटर जो बेक होते हैं, अभी मैं इसे बेकिंग के लिए डालूँगी ना, तो बेक होने के बाद ये टमाटर बहुत टेस्टी लगते हैं इसके साथ। अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो इस प्योरली ऑप्शनल, आप ना यूज़ करें। अभी मैं ये अंडा सब तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड करके डाल दूँगी। इसकी लेयरिंग हो चुकी है, अब हम इसे 200 डिग्रीज प्री हीटेड ओवन में 15-20 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। ये डब्बा गोश्त पक के पूरा रेडी हो चुका है और इसे मैंने बेक किया है, लेकिन अगर आपको बेक नहीं करना है तो आप इसे गैस पे भी पका सकते हैं। आप कोई भी फ्लैट बॉटम वाला नॉन स्टिक पैन ले लो, और जिस तरह से मैंने सारी लेयरिंग इस डिश में की है उसी तरह से आप उसमें पैन में लेयरिंग करके उसे लो फ्लेम पर 20-25 मिनट्स के लिए ढक कर पका लो, तो ऐसा ही बन जाएगा। लेकिन टॉप की लेयर ऐसी नहीं आएगी, ये बेकिंग में ही आती है। तो आप उसमें ऐसा कर सकते हो कि ये टमाटर नीचे बिछा लो और उसके ऊपर सारी चीज़ें लेयर कर लो और टॉप पे फिर एग डाल दो, वैसा कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि आप गैस पे कैसे कर सकते हो, और ओवन में इसे मैंने 200 डिग्री पर 15 मिनट्स के लिए पकाया है, तो ये ऐसा इतना अच्छा बन के निकला है। और डब्बा गोश्त इज रेडी टू बी सर्व्ड। इसे आप नान पराठे और किसी भी तरह के ब्रेड के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत अच्छा लगता है। और आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं किसी भी सॉस या चटनी के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू।